हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 26 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली थी, आप लोगों ने वो देख लिया होगा, ठीक है। और हम लोगों ने अपना एक पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है बैंकिंग मास्टर नाम से, जो कि आपको ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप लोग जो है पिछले सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस, आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के सर्कुलर्स, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है और कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर वहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग आने वाले SBI PO IBPS PO और क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें देखिए क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम्ड काचिंग, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडिगो। काचिंग नामक एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने इंडिगो के साथ में साझेदारी की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये क्रेडिट कार्ड का नाम आप लोग याद रखना कि किस नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो काचिंग, ठीक ना। काचिंग नाम से एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है और इसमें ये पूछा गया कि कौन सी बैंक ने इंडिगो के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो ने मिलकर काचिंग नाम से एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। और ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है ये इंडिगो के 6E रिवार्ड प्रोग्राम के तहत में लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा। जो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय कोटक जी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी ICICI बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक और करूर वैश्या बैंक, इन सारी बैंकों के बारे में हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैगलाइन आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बी फिट ए स्कीम टू प्रोवाइड कैशलेस OPD मेडिकल सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने अपने ग्राहकों को कैशलेस OPD चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए बी फिट नाम से एक योजना शुरू की हुई है, ठीक ना। एक स्कीम है जिसका नाम है बी फिट, ठीक ना। इस स्कीम के तहत में जो है कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को कैशलेस OPD मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये स्कीम जो है कौन से इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में बी फिट नाम से एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है जिसके थ्रू अपने कस्टमर्स को कैशलेस OPD मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो इस स्कीम का नाम आप लोग याद रखना, बी फिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बी फिट जो है ICICI लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक ना। इस सर्विस का नाम कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, बस ये चीज़ें आप लोग याद रखो, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी पूछे जाने के चांसेस नहीं है। ICICI लोम्बार्ड क्योंकि इसका आंसर होगा, तो ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके CEO की अगर हम लोग बात करेंगे किसके, ICICI लोम्बार्ड के, तो इसके CEO जो हो जाएंगे भार्गव दास गुप्ता इसके CEO हो जाएंगे। ICICI लोम्बार्ड के बारे में मैंने बता दिया, बाकी और जो इंश्योरेंस कंपनी दी गई हैं इनके एटलीस्ट हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक व्हिच हैज रिसेंटली मेड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद HDFC लिमिटेड टू प्रोवाइड होम लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने ग्राहकों को होम लोन प्रदान करने के लिए HDFC लिमिटेड के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसमें यह पूछा गया कि कौन सी पेमेंट बैंक ने HDFC लिमिटेड के साथ में भी हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि अपने ग्राहकों को होम लोन्स की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। IPPB अपने कस्टमर्स को HDFC होम लोन्स की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, तो इसलिए हम लोग इसका हेडक्वार्टर वगैरह जानेंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जे वेंकट रामू, ठीक है ना।
जे वेंकट रामू जो हैं ये इसके कौन हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा हुआ था और काफी यूट्यूब पर काफी सारे लोगों ने गलत आंसर दिया, काफी सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया। तो बेसिक चीजें यार, इसको अगर आप लोगों को बार बार सारी चीजें बताई जा रही हैं तो इसको याद रखो, चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर मतलब कोई फायदा है नहीं इसी वीडियो से अगर देखने का। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे, मैंने आप लोगों से आरबीआई की सब्सिडरीज पूछा हुआ था वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने गलत कर दिया। मतलब लिटरली अगर आप लोग सीरियस एज पेरेंट्स हो, सही तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों की गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें गलत ना करो, ठीक। चलो इस क्वेश्चन पर फिर से हम लोग वापस आते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगी। जे वेंकट रामू इसके कौन हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी इन सभी बैंकों के बारे में एटलीस्ट हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल करो। यहीं पर कम से कम हेडक्वार्टर तो आपको पता होना चाहिए। अगर एमडी और सीईओ टैगलाइन भी पता है तो फिर तो समझो कि अच्छी बात है, आपको काफी चीजें पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फिफ्थ मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप। ये याद रखना, फिफ्थ मोस्ट वैल्यूड की बात हो रही है, फिफ्थ मोस्ट वैल्यूड की। कौन सा बैंक हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पांचवीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे करते हुए इंडिया की पांचवीं मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है मार्केट कैपिटल के मतलब के हिसाब से, ठीक है ना। मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की फिफ्थ मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई। कौन सी, पांचवीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर टैगलाइन एमडी एंड सीईओ आप लोग यहीं पर रिकॉल कर लो। नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली साइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनेंसिंग लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट द आइजवाल मिजोरम सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में आइजोल मिजोरम सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए, को सपोर्ट करने के लिए कितनी राशि के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आइजोल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लोन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कितने के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, वो लोन अमाउंट इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 4.5 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग इसको, एक जगह अलग से लिखते चलो। जैसे मैंने आप लोगों से बताया हुआ था कि आप लोग जो भी नोट्स वगैरह बनाते हो वहाँ पर शुरू में क्या है कि दो चार पेज छोड़ दिया करो, जहाँ पर आप लोग लोन्स वगैरह लिख लिया करो, किसके किसके द्वारा कितना कितना किसको किसको लोन दिया गया है, GDP प्रोडिक्शन क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें शुरू में लिख लिया करो। और इसको हमेशा टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते रहा करो, तो जब आप लोगों को एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर आप लोगों को अलग से इधर उधर हड़बड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह आप लोगों को सारा अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। नहीं तो फिर जब आप लोगों का एग्जाम आता है तो अब आप लोग इधर उधर गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करते हो कि लेटेस्ट GDP प्रोडिक्शन क्या है, लोन किसके किसके द्वारा कितना दिया गया, तो खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करो। और जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है उनके लिए भी, और जो लोग नहीं परचेज किए उनके लिए, आप लोग नोट्स बनाओ। भले से आप लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया है, भले से आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं, भले से आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नोट्स बनाओ, कुछ पॉइंट्स में करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखो। भले सब कुछ ना लिखो लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखो, इससे क्या होगा ना कि सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी एग्जाम में। अगर आप लोग अपने हाथ से अपनी कलम से कुछ ना कुछ लिखते हो तो वो ज़्यादा याद रहता है कि इन कंपैरिजन टू एक बार देख कर चले जाने से। तो थोड़ा सा लिखो, भले ज़्यादा ना लिखो, टाइम अपना सेव करो, लेकिन लिखो, थोड़ा सा लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4.5 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लोन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग लोन अमाउंट, ठीक। लोन अमाउंट किसके द्वारा लोन दिया गया, किसको लोन दिया गया, किस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया, ये तीनों चीज़ें यहाँ याद रखना आप लोग, ठीक ना। प्रोजेक्ट का नाम है आइजवाल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, किसके द्वारा दिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो है कि साइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, यहाँ से कुछ गलत नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट के तहत में होगा क्या, जो ये आइजवाल सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो लोन अमाउंट दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, इसके तहत होगा क्या। तो इसके तहत आइजवाल मिजोरम में अर्बन मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा इन पैसों से। यहाँ पर बात हुई है किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। किसकी बात हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और अगर ADB की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में, ठीक है ना। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ADB के हेडक्वार्टर में कई बार लोग कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई आप लोगों के दूर कर दिया गया है। मंडालुयांग मनीला फिलीपींस से दोनों इसके हेडक्वार्टर हैं, तो यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर है 4.5
5 मिलियन USD इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद गूगल पे टू इनेबल इट्स यूजर टू बाय इट्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑन द गूगल पे ऐप। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में अपने उपयोगकर्ताओं को गूगल पे ऐप पर अपना स्वास्थ्य बीमा खरीदने में सक्षम बनाने के लिए गूगल पे के साथ में भागीदारी की है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल पे के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ जिससे कि गूगल पे ऐप के माध्यम से वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर सके, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी SBI जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? SBI जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। SBI जनरल इंश्योरेंस और गूगल पे ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ ये पार्टनरशिप? जिससे कि SBI जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को गूगल पे के थ्रू ऑफर किया जा सके, ठीक है ना। गूगल पे ऐप पर SBI अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करेगी, इसीलिए जो है ये पार्टनरशिप की गई है। यहाँ पर बात हो रही है SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो क्योंकि SBI जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करें किसके, SBI जनरल इंश्योरेंस के, तो प्रकाश चंद्र कंडपाल ये इसके क्या हो जाएंगे? MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, और इसके बारे में मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। बाकी ये और भी जो इंश्योरेंस कंपनीज दी गई हैं इनके एटलीस्ट हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए, और इसको आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए आगे बढ़ो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बाय विच नेम यस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू कैटेगरी ऑफ वैल्यू एडेड फैमिली सेविंग्स अकाउंट। यस बैंक ने हाल ही में किस नाम से मूल्यवर्धित पारिवारिक बचत खातों की एक नई श्रेणी शुरू की है? यस बैंक ने भी हाल ही में एक सेविंग अकाउंट्स की एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। एक नई कैटेगरी लॉन्च की हुई है सेविंग अकाउंट की, और उसका नाम क्या है, किस नाम से वो नई कैटेगरी लॉन्च की गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस फैमिली, ऑप्शन नंबर ए यस फैमिली नाम से यस बैंक ने भी हाल ही में जो है एक सेविंग अकाउंट की नई कैटेगरी लॉन्च की हुई है, ठीक ना। ये नाम आप लोग याद रखना, बाकी बस ये वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें और कुछ ज़्यादा करना है नहीं, ठीक ना। और ये जो यस फैमिली है इसके तहत में यस प्रॉस्पेरिटी, यस प्रीमिया और यस फर्स्ट नाम से तीन प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के लिए लॉन्च किए जाएंगे। फिर से सुन लो, जो लोग नोट्स बना रहे हो आप लोग नोट्स बना लो, हालांकि PDF में ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन फिर से सुनो। ये जो यस फैमिली है इसके तहत में यस प्रॉस्पेरिटी, यस प्रीमिया और यस फर्स्ट नाम से ये तीन प्रोग्राम्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के लिए लॉन्च किए जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यस फैमिली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यस बैंक की यहाँ पर बात हुई है। तो यस बैंक के हेडक्वार्टर की भी हम लोग बात कर लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, प्रशांत कुमार, ठीक ना। प्रशांत कुमार ये कौन हो जाएंगे? प्रशांत कुमार जी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, और ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिया ही नहीं, लोगों को जैसे पता ही नहीं। तो ये चीज़ें अगर बार बार बताई जा रही हैं तो आप लोग इसको याद रखो, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में एक नंबर के लिए, ठीक ना। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, किसकी? यस बैंक की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एज पर RBI's रिसेंट रिपोर्ट नेम्ड मैनेजमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व अप्रैल सेप्टेम्बर 2021 वाट इज इंडियाज गोल्ड रिजर्व इन फॉरन एक्सचेंज एज ऑफ सेप्टेम्बर 2021 एंड। RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन अप्रैल से सितंबर 2021 के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा में भारत का स्वर्ण भंडार कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 743.84 मेट्रिक टन, ऑप्शन नंबर ए 743.84 मेट्रिक टन, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI ने अभी हाल ही में मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अप्रैल टू सितंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया। किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई ये भी आप लोग याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अप्रैल टू सितंबर 2021 नाम से रिपोर्ट जो है जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में टोटल गोल्ड जो है वो 743.84 मेट्रिक टन है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, यही इसका आंसर है। और ये जो 743.84 मेट्रिक टन गोल्ड है ये पिछले साल की तुलना में 11% बढ़ गया है, यानी कि अगर हम लोग सितंबर 2020 की बात करें तो सितंबर 2020 में RBI के पास में 668.25 मीट्रिक टन गोल्ड था, जो कि अब बढ़कर 743.84 मीट्रिक टन हो गया है, और ये 11% बढ़ गया है, ठीक ना। इसके कंपैरिजन में ये 11% तक बढ़ गया है, ठीक।
इस रिपोर्ट का नाम गोल्ड की वैल्यू कितनी मीट्रिक टन में है और कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ पिछले साल के कंपेरिजन में, 2020 के कंपेरिजन में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये तीनों चीज़ें याद रखना। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये इसलिए याद करना जरूरी है, ये चीज़ें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी स्केल 3 का एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, IBPS ने जो भी RRBS के लिए स्केल 3 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे गए। तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार GST कलेक्शन कितना प्रतिशत ज़्यादा हुआ। वैल्यू नहीं पूछी गई थी कि पिछली बार कितनी GST कलेक्शन हुआ और इस बार कितना GST कलेक्शन हुआ, नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर जो है इस साल कितना परसेंट GST ज़्यादा कलेक्ट हुआ, ये पूछा गया था। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि सितंबर 2020 की तुलना में सितंबर 2021 में कितना प्रतिशत गोल्ड भंडार, गोल्ड का ये मतलब रिजर्व है, बढ़ गया, तो इस कंडीशन में आप लोग जो 11% आंसर लगाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। पिछले 2 साल से लगातार काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से एग्जाम में मिल रहे हैं, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस कर जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को कराई जा रही हैं। कुछ भी अननेसेसरी नहीं कराया जा रहा है और इतनी चीज़ें कवर करा दी जा रही हैं आप लोगों को कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वाले पार्ट में इससे बाहर का आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अलग से कहीं ना कहीं से पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन बैंक एग्जाम में मैक्सिमम चीज़ें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही पूछी जाती हैं और जो करंट अफेयर्स वाला भी पोर्सन होता है काफ़ी कुछ वो बैंकिंग से ही रिलेट करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको इससे बाहर का चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ढंग से आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ो और एकदम पूरा एनालिसिस कर आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, किस तरीके से पूछे गए हैं, उसी बेस्ड पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी की जा रही है, उसी हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको हर बार हर जगह याद भी दिलाया जा रहा है कि 11% मैंने दिया तो क्यों बताया मैंने 11%, इसलिए बताया क्योंकि स्केल 3 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ठीक ना। तो इसी हिसाब से अगर आप लोगों की इतनी मेहनत आप लोगों के साथ में की जा रही है तो आप लोग इसको याद करो और अच्छे से तैयारी करो। आप लोग SBI के लिए, IBPS के लिए अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहो, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। पिछले 2 हफ्तों से मैं लगातार थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से संडे टॉक वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो प्रॉपर गाइडेंस वगैरह आप लोगों से बातचीत भी करता तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रिजॉल्व होती हैं और थोड़ा हमें भी बढ़िया लगता है कि चलो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा एक पर्सनल कनेक्ट भी बना रहता है ना। तो अगले संडे से अगर टाइम रहता है तो फिर हम लोग संडे टॉक भी स्टार्ट करेंगे और संडे टॉक जो हमारा नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा रात में होगा, 6 बजे के आसपास नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पर काम भी होता है और अब दिन छोटा होने लगा, रात थोड़ा जल्दी हो जाती है तो घर के कुछ और भी काम होते हैं और संडे का एक ही दिन खाली मिलता है ना। तो इस वजह से अगले संडे से हम लोग संडे टॉक भी स्टार्ट कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही हैं इसको आप लोग पढ़ो। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। अभी आने वाले वीडियोस में आप लोगों को जो है RBI के सर्कुलर्स भी मैंने रेडी कर रखे हैं, होपफुली इसी के बाद में उसकी भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। SBI के एग्जाम में काफ़ी डीप में जाकर सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो सर्कुलर वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और नॉर्मली भी वैसे भी बैंक एग्जाम में RBI अगर कहीं पर है तो RBI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो पूछी ही जाएगी, तो उस कंडीशन में सर्कुलर गाइडलाइंस RBI की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएंगी। और ये जो हमारा पेड कोर्स है उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को कवर भी कराई जाएंगी, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कराया जाएगा, RBI की गाइडलाइंस, RBI के सर्कुलर भी, सारी चीजें ये आप लोगों को कराई जाएंगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है 743.84 मीट्रिक टन इसका आंसर हो जाएगा और ये पिछले साल के कंपैरिजन में 11% की बढ़ोतरी हुई है गोल्ड रिजर्व में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इंक्ड ए 100 मिलियन USD लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क टू प्रमोट एग्री बिजनेस इन महाराष्ट्र। किस संगठन ने हाल ही में महाराष्ट्र में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट के लिए 100 मिलियन $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये अमाउंट आप लोग याद रखना, 100 मिलियन USD वाला ये अमाउंट, लोन अमाउंट आप लोग याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, लोन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में महाराष्ट्र में एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, जिसको कि हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन USD का लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये अमाउंट आप लोग लोन अमाउंट याद रखना, 100 मिलियन USD का लोन अमाउंट, लोन एग्रीमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत सरकार के साथ में किया गया है, जिससे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क को प्रमोट किया जा सके। एग्री बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए ये 100 मिलियन USD का लोन अमाउंट जो है, लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही, तो हेडक्वार्टर बता दो आप लोग यहाँ पर, इसके सभी के हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल करो,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया गया था, शायद एक दो क्वेश्चन पहले आई थिंक बताया गया था, और नहीं भी बताया गया था तो पिछले वीडियोस में कई बार बताया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, IMF का हेडक्वार्टर, ठीक है, UNDP का हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोग इसी टाइम पर यहीं पर रिकॉल करते हुए आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखेंगे। SBI एंड सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हैव रिसेंटली पार्टनर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेयरी फार्मर्स ऑफ विच स्टेट। SBI और सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य के डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, SBI की बात हुई है। तो SBI के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, दिनेश कुमार खरा इसके चेयरपर्सन। टैगलाइन आप लोग बता दो SBI की क्या है, SBI की टैगलाइन आप लोग बता दो, रिकॉल कर लो आप लोग यहीं पर SBI की टैगलाइन क्या है, ठीक ना, SBI की टैगलाइन या आप लोग रिकॉल करो। हेडक्वार्टर चेयरपर्सन मैंने बताया, और यहाँ पर बात किसकी हुई है, महाराष्ट्र की भी हुई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भगत सिंह कोशियारी ये महाराष्ट्र के गवर्नर है। महाराष्ट्र के CM कौन है आप लोग रिकॉल करो, यहीं पर महाराष्ट्र के CM कौन है आप लोग रिकॉल करो। और महाराष्ट्र में अगर कोई भी नेशनल पार्क है तो आप लोग याद करते हुए चलो, यहीं पर याद करो है कि नहीं, पहली चीज़ तो यही पता होना चाहिए है कि नहीं, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं हुआ है कि नहीं है, तो उसका नाम आप लोग याद करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड फॉर बींग टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस एट दी 19th एडिशन ऑफ द एशियन पैसिफिक HRM कांग्रेस। कौन सा एडिशन है ये, 19th एडिशन थी, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ACI प्रशांत HRM कांग्रेस के 19वें संस्करण में किस बैंक को इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस के साथ शीर्ष संगठन होने के लिए सम्मानित किया गया है। कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एशिया पैसिफिक HRM कांग्रेस के 19वें एडिशन में कर्नाटका बैंक को टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया इसे, ठीक है ना, ये जो अवार्ड दिया गया है इसको टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव HR प्रैक्टिसेस का अवार्ड जो ये कर्नाटका बैंक को दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो HR डिपार्टमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट में इनोवेशंस के लिए ये अवार्ड जो है कर्नाटका बैंक को दिया गया है। कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। तो कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इसकी टैगलाइन हो जाएगी। कर्नाटका बैंक के CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाबलेश्वर एमएस जो है ये इसके CEO हो जाएंगे। कर्नाटका बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई, बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर टैगलाइन MD एंड CEO आप लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलो नेक्स्ट। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली सेटअप ऑफ ₹20,000 crores वर्थ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID। 20,000 crore rupees के नए स्थापित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर हो जाएगा KV कामत, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, KV कामत ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में 20,000 crore rupees के नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का गठन किया गया, जिसके चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में KV कामत जी को अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, KV कामत। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय द RBI। हाल ही में RBI के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बलदेव प्रकाश ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना, बलदेव प्रकाश ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर हो सकती है, इसलिए उन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। अगर अभी बात किया जाए कि अभी वर्तमान में J&K बैंक का MD एंड CEO कौन है, तो RK छिब्बर, ऑप्शन नंबर बी भी दिया गया, देखो इसमें RK छिब्बर, ठीक है ना। अभी वर्तमान में RK छिब्बर जी ही जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD एंड CEO हैं। जो बलदेव प्रकाश जी को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO के रूप में, इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, इनका कार्यकाल 10 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। पहले से इनको अपॉइंटमेंट कर दी, नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 10 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। बलदेव प्रकाश जी 10 अप्रैल 2022 से जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD एंड CEO के रूप में काम करेंगे, यानी कि 10 अप्रैल 2022 तक अगर कोई पूछेगा कि J&K बैंक का MD एंड CEO कौन है, तो उस केस में जो इसका आंसर होगा RK छिब्बर होगा। 10 अप्रैल 2022 के बाद में बलदेव प्रकाश होगा। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग पे होना नहीं चाहिए। अभी करंट में कोई पूछे कि करंट में J&K बैंक का MD एंड CEO कौन है, तो RK छिब्बर हैं, और 10 अप्रैल 2022 तक RK छिब्बर जी ही रहेंगे। उसके बाद से बलदेव प्रकाश जी का जो
नियुक्ति है वो प्रभावी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बलदेव प्रकाश इसका आंसर हो जाएगा। जे एंड के बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र कुंटिया हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ दी ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। सुभाष चंद्र कुंटिया को हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें ये पूछा गया है कि सुभाष चंद्र कुंटिया जी को अभी हाल ही में कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर बी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है ना, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में प्रकाश चंद्र कुंटिया जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद NPCI टू लॉन्च इट्स कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क नेम्ड वीर क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रुपे नेटवर्क पर वीर नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ में भागीदारी की है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखो। और इसका जो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्रेडिट कार्ड का नाम आप लोग पहली चीज़ तो याद रखना क्या है, वीर। क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, वीर। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का नाम वीर है। किस बैंक ने लॉन्च किया, कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया गया, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना। और आर्म्ड फोर्सेस में क्या क्या आएगा, इसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स। ठीक ना, और एयरफोर्स, ये सारी ये तीनों सेनाएं जो हैं वो इंडियन आर्म फोर्स में आएंगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा वीर नाम से एक क्रेडिट कार्ड इंडियन आर्म फोर्स के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक ना, और वीर प्लेटिनम और वीर सेलेक्ट नाम से दो वेरिएंट भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। ठीक, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर है। हालांकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका हेडक्वार्टर वगैरह बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा, उदय कोटक। ठीक ना, उदय कोटक जो है वो इसके MD एंड CEO होंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। क्या, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरर टू ज्वाइन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई RBI इन September 2021। कौन ससी बीमा कंपनी हाल ही में September 2021 में RBI द्वारा पेश किए गए अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी है। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। ठीक ना, जीवन बीमा कंपनी बनी है, तो पहली इंश्योरेंस कंपनी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको समझो और सुनो ध्यान से। RBI ने अभी सितंबर में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जारी किया हुआ था। ठीक ना, अकाउंट एग्रीगेटर जिसको कि हम लोग AA फ्रेमवर्क बोलते हैं, इसको जारी किया हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अपने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लो। यहाँ पर इसको अननेसेसरी क्वेश्चन को लेंदी करने से कोई फायदा है नहीं। और अगर आपको अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में नहीं भी पता होगा ना, तो कोई फायदा नहीं, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है हमको। बस इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई हमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अकाउंट एग्रीगेटर का कोई काम हमसे नहीं पूछने जा रहा कि क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, ये कौन होते हैं। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियोज़ में डीप में बताया गया, अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं और नहीं पता तो आप लोग जाकर सितंबर के वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर तो मैंने इसलिए वहाँ पर बता दिया था, जिससे चीज़ें थोड़ा सा आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा कि जब ये सितंबर में लॉन्च किया गया था अकाउंट एग्रीगेटर, तो उस टाइम पर 8 बैंकों ने, टोटल कितने बैंकों ने, 8 बैंकों ने इसमें जो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में AA नेटवर्क को ज्वाइन किया हुआ था। जब सितंबर में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जारी किया गया था, तो उस टाइम पर सितंबर में 8 बैंकों ने फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया हुआ था। और अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पहली इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, जिसने RBI के द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक, क्या हो जाएगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी 8 बैंकों ने इस टाइम पर ज्वाइन किया था, ये भी आप लोगों को वहाँ पर बताया गया था, इनका भी नाम याद रखना। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में नहीं ज्वाइन किया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद करते हुए चलना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें, तो गुरुग्राम हरियाणा। ठीक ना, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी जो है ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का।
और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। द टर्म ऑफ द करंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाई हाउ मेनी ईयर्स। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल हाल ही में कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 3 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब ये जो है दिसंबर और अब ये जो है दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। कब तक? दिसंबर एंड 2024 तक ये आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 3 साल के लिए भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कितने साल के लिए बढ़ाया गया, तो 3 साल के लिए। कब तक ये गवर्नर बने रहेंगे? तो दिसंबर 2024 तक ये आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोग यहाँ पर याद कर लो। आरबीआई की सब्सिडरीज कौन सी हैं ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने अक्टूबर कंप्लीट कर लिया, अक्टूबर मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरी तरीके से आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 1-2 दिन के अंदर इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है बैंकिंग मास्टर की, उनको अलग से पीडीएफ परचेज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया उनके लिए अलग से भी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है बैंकिंग मास्टर नाम से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, उसको अगर आपको परचेस करना चाहो तो आप लोग जाकर वहां पर उन सारी चीजों को परचेस कर सकते हो, ठीक। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।